इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर वो कोविड वैक्सीन का जायजा लेने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अहमदाबाद। आज उनको पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी जाना है, साथ ही साथ हैदराबाद भी जाना है, लेकिन शुरुआत अहमदाबाद से। अहमदाबाद जाएंगे, वहां पर कोविड वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, जो फाइनल फेज में है, उन तीनों जगह यानी अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, ये तीनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे और वहां पर जायजा लेंगे कि आखिर जो फाइनल स्टेज में वैक्सीन है कोविड को मारने वाली, उसका क्या आप कह सकते हैं मेरिट है, कहां तक पहुंचा है काम, कब तक वैक्सीन रेडी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करी थी, एक स्पेशल बैठक भी बुलाई थी कि कैसे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक आप कह सकते हैं प्रिया रिलैक्स करने वाली तस्वीरें हैं भारतवासियों के लिए कि प्रधानमंत्री उस जगह जा रहे हैं जहां से कोविड की वैक्सीन मिलनी है, और तीनों जगहों पर जाएंगे, जहां जहां तीन ट्रायल्स चल रहे हैं तीनों जगहों पर जाएंगे। और प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं तो ये माना जाए कि हाँ एक फाइनल फेज में है, और जैसा कि बार बार हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि 2021 के पहले क्वार्टर में ये वैक्सीन मिल जाएगी, ये भरोसे वाली तस्वीर है प्रधानमंत्री की। रजत, इस बात का भी पूरा काका तैयार कर लिया गया है कि सबसे पहले कोविड वैक्सीन किसे दी जाएगी, जिनमें वो वॉलंटियर सबसे आगे होंगे, जो इस वक्त बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर्स होंगे, हमारे सफाई कर्मी शामिल होंगे, तो तमाम ये खाका भी तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन शहरों में कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन रिव्यू ले रहे हैं। जो उनका पहला डेस्टिनेशन है वो अहमदाबाद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन का जायजा लेंगे। जो अहमदाबाद की वैक्सीन है उसका नाम है जायकोवोडी फॉर्मूला, जो कि जायडस बायोटेक बनाने वाली कंपनी है, और जायडस ये वैक्सीन माना जा रहा है कि जल्दी मार्केट में आ सकती है। इसका जो ट्रायल है वो अपने अंतिम फेज में पहुंच चुका है, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा डेस्टिनेशन होगा वो पुणे होगा, और उसके बाद तीसरा डेस्टिनेशन हैदराबाद होगा, जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और कोविड वैक्सीन का जायजा लेंगे, तमाम उन तैयारियों का जायजा लेंगे। और ये भी इसके बाद हो सकता है, आने वाले वक्त में तय हो जाएगा कि जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि इस महामारी से कुछ हद तक राहत मिल जाए। बिल्कुल, और प्रिया देखने वाली बात होगी, तीन सेंटर्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, तीनों सेंटर्स के जो चीफ हैं वो उनको ब्रीफ भी करेंगे, वैक्सीन कहां तक पहुंची ये सब ब्रीफ होगी। क्या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, तीनों इंस्टीट्यूट्स आप विजिट करने के बाद क्या पीएम कुछ कहते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, क्या देश को भरोसा दिलाते हैं कि हाँ वैक्सीन जल्द से जल्द मिलेगी, क्योंकि देश की नजर है, अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो देश में आज उत्साह है कि हाँ जिस कोविड महामारी से लोग परेशान हैं, आने वाले समय में उस कोविड की वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी। और इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।